हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के बायोलॉजी का जबरा क्रम, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बता चुकी हैं। मानव में परिवहन बता दिया मैंने। अब देखते हैं पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, परिवहन का मतलब पौधों में, देखो परिवहन मतलब पौधों में जैसे जल, खनिज, लवण या भोज्य पदार्थ जो भी है, उसको एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता होगा। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल की पत्तियों में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो भोजन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, जड़ क्या करते हैं ना, मोटरमो द्वारा मतलब रूट हेयर जो होता है, मतलब आप देखेंगे ना रूट को ऐसे, तो इसमें ना ऐसे पति पति स्ट्रक्चर निकला है, इसको कहते हैं रूट हेयर। ठीक है ना, तो इससे क्या करते हैं, जल और खनिज लवण को क्या करते हैं, अवशोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो क्या ले जाते हैं, पत्तियों के पास ले जाते हैं। तो ये कच्चा पदार्थ है, ये पत्तियों के पास ले जाते हैं। तो पत्तियों के पास क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन तैयार होता है। और जो खाद्य पदार्थ तैयार होता है उसको क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों तक वो पहुंच जाता है। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। सभी पादपों में ना क्या होता है, चालन वाहिकाएँ होती हैं। ठीक है ना, उनका एक ग्रुप जब होता है, एक तंत्र बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में दो भागे हैं, कौन कौन से भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है ना, तो जाइलम जो है वो क्या करता है, देखिए इसका एक ट्रिक है। जाइलम की स्पेलिंग जैसे शुरू होती है, तो ये क्या करेगा, जल, और जल कहाँ से मिलेगा, जमीन से। जमीन से जल मतलब पृथ्वी से, भूमि से जल को शोषित करेगा। तो उस जल में क्या मिला रहेगा, खनिज लवण मतलब मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जो भी है वो कह रहे हैं खनिज मिले रहेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों जस जाइलम जल का अवशोषित, जल को अवशोषित करेगा, और जल को जब अवशोषित करेगा तो उसमें खनिज मिला रहेगा। और जल और खनिज लवण का अवशोषण क्या करता है, मतलब जड़ के पास से क्या करना, जड़ के पास से जल और खनिज लवण को ऐसे खींच के, मतलब तरीके खींच के, ठीक है ना, क्या करना, लंबी होती है, निर्जीव होती है। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक लंबी लंबी नलिका जैसी रचना होती है। ठीक है, और वो निर्जीव होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। ठीक है, रूट हेयर द्वारा क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, उसके साथ साथ क्या मिले रहते हैं, खनिज लवण भी मिले होते हैं। ठीक है, तो ये जो खनिज लवण होते हैं ना, ये पत्तियों तक तो पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है, जब पत्तियों के पास पहुँच गया ये, तो कच्ची, ये कच्ची सामग्री होती है। ठीक है ना, जब खान भोज्य पदार्थ रेडी हो जाता है, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा उत्पादित पोषक तत्व का, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, आवश्यक भागों तक पहुंचाता है। जैसे फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए क्या करता है, भेजता है। ठीक है ना, फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए फ्लोएम क्या करता है, जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको क्या करता है, दूसरी जगह पर पहुँचाता है। देखिए कुछ कहें कैसे होते हैं, जीवित होती हैं। एक रसारोहण इसमें प्रोसेस है, जड़ द्वारा जल और उसमें घुले खनिज पदार्थों को जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना। क्या करना ना कि इसको जो भी लिखा है अभी मैं बता दूँ, रसारोहण मतलब जल और खनिज पदार्थ का जड़ से, रूट से। ठीक है ना, और जाइलम द्वारा क्या कहता है, वो शोषण किया जाता है, और शोषण करने के बाद तने के माध्यम से होते हैं, उसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, पत्तियों के पास। कहाँ पे, पत्तियों के पास पहुँचा दिया जाता है, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। ठीक है, आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। इसी में एक हेडिंग है, विसरण क्या है, विसरण। ठीक है ना, डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। ठीक है ना, उच्च सांद्रता मतलब कोई भी इसके, इसमें ना विसर्ग का उदाहरण में जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक बंद कमरा है, उसमें आपने कोने पे इत्र की शीशी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ कि इसमें से इत्र मतलब गैस निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या थी, ज़्यादा सांद्रता थी, और जो कमरा हमारा था उसमें क्या थी, कम सांद्रता थी। मतलब यहाँ पे तो महक नहीं थी, खुशबू नहीं थी उसकी, तो वो
धीरे 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 क्या कर देगा, पूरे कमरे में एक जैसी स्मेल आने लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद आप जैसे धुआं जला लीजिए, धुआं कर लीजिए रूम में, तो जहाँ पे आप धुआं करेंगे वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, और वहाँ से फिर जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ पे धुआं क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, अधिक सांद्रता थी वहाँ से किधर चली गई, निम्न सांद्रता की तरफ मूव किया, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें बची हुई थी थोड़ा ब्लड में ना, तो हम बता देते हैं अभी से आपको। एक चीज़ थी लसिका, ये ना क्या होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, और किसका होता है, ब्लड का हिस्सा। ये रंगहीन होता है और क्या होता है, ब्लड का ही एक हिस्सा। ये क्या है, ब्लड का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रोटीन, ठीक है, हार्मोन, सॉरी हार्मोन और कुछ पोषक तत्वों का, ठीक है ना, क्या करता है, परिवहन। ये भी क्या करता है, वहन करने का काम करता है ह्यूमन बींग में। किसमें, ह्यूमन बींग में क्या करता है, ये परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद लसिका जो है क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसका, क्या है, रासायनिक नाम, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। ये क्या करता है कि ये भी ब्लड का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे कहीं आपको चोट लग गई, ठीक है ना, गैस करके आपको चोट लग गई, तो उसमें से ब्लड फ्लो होने लगता है, तो ये क्या करता है ना, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं ना, छन के, मतलब वहाँ जो कोशिका झिल्ली होती है वहाँ से ये छन के बाहर नहीं निकल पाते, और ये वहाँ जाके क्या कर देते हैं, अपनी एक लेयर बना देते हैं, परत बना देते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का मतलब ब्लड जो है वो बाहर की तरफ नहीं आता, और ये जो हिस्सा रहता है ये गीला होता है, ये फिर क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स क्या है, ये भी ब्लड का ही पार्ट है, वो क्या कहता है, रक्त का थक्का। जैसे आप रक्त का थक्का जमाने में कैसे, कहीं चोट लगी वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है, धीरे धीरे जाता है वहाँ, जहाँ आपको कुछ चोट लगी है ना वहाँ पे जाकर उसको क्या कर लेता है, कवर कर देता है। क्या कर देता है, कवर कर देता है। उसके बाद अगर इस प्लेटलेट्स की बात की जाए, तो अगर किसी में इसकी कमी हो गई तो इंसान को आंवला, ठीक है, नींबू और गोट मिल्क, ठीक है ना, बकरी का दूध, थोड़ी और चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेनली मेनली ये तीन चीज़ें लेने से उनका क्या है, प्लेटलेट्स फिर से क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। तो आप सब एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, आपने देख लिया होगा, ये कुछ चीज़ें छूटी हुई थी परिवहन तंत्र से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।